हेलो गाइस, मैं हूं निलेश और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं एक अमेजिंग क्रिएटिव वीडियो जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं हाउ टू यूज पार्टिकल जेएस स्टेप बाय स्टेप इन हिंदी। सो वीडियो पसंद आए तो यार लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पे हमने एक फोल्डर क्रिएट कर रखा है पार्टिकल जेएस नेम से। ये हमारी वेबसाइट का फोल्डर है। इसके अंदर हमारी index.html की फाइल और style.css की फाइल है गाइज। इसके अलावा हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है। सो आते हैं हमारे एडिटर में, और यहाँ पे देखिए मैंने index.html वाली फाइल को ओपन कर रखा है और सिंपल सा html का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रखा है, और साथ में जो हमारी css वाली फाइल है style.css उसको हमने लिंक। तो ये हमारी css वाली फाइल है और ये हमारी html की फाइल है। तो चलिए करते हैं html वाली फाइल में कोडिंग स्टार्ट। कोडिंग स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जो कलर्स हमने यहाँ पे यूज किए हैं, देखिए ये जो कलर्स हमने यूज किए हैं इनको मैं कहाँ से चूज करता हूँ वो वेबसाइट में आपको बताने वाला हूँ। तो आते हैं हम गूगल में और सर्च करते हैं, देखिए flatuicolors.com ये आपकी वेबसाइट है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। यहाँ पे आपको प्रोफेशनल कलर्स मिल जाते हैं गाइज। तो जो भी आपको कलर पसंद हो, फॉर एग्जाम्पल हम ये चूज करते हैं, इसके अंदर जो भी आपको कलर पसंद आए जस्ट उस पर कर देना है। आपको क्लिक करते ही जो भी आपका कलर कोड है वो कॉपी हो जाता है। यहाँ पे आपको देखिए बहुत सारे फॉर्मेट्स में आप कलर यूज कर सकते हो, जैसे RGB, RGBA, हेक्स। तो जो भी आपको फॉर्मेट पसंद हो आप उसमें कलर चूज कर सकते हो। यहाँ पे देखिए बहुत इजी वे में हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं हमारे इफेक्ट की तरफ। तो गूगल में आते हैं और सर्च करते हैं सबसे पहले particle.js। जब आप ये सर्च करोगे गूगल में तो आपको सेकंड वाली लिंक पे आना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है github.com, और ये वाली जो लिंक है सेकंड लिंक, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके github की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हमें क्या करना है, जस्ट सिंपल कोड पे क्लिक करना है और डाउनलोड zip वाली ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपकी पार्टिकल जेएस की फाइल डाउनलोड हो जाएगी। हमें शो इन फोल्डर पे क्लिक कर देना है। यहाँ से करना है कट, जो हमारा मेन फोल्डर है डेस्कटॉप के ऊपर पार्टिकल जेएस वाला, इसके अंदर कर लेना है पेस्ट। यहाँ पे हमने देखिए जिप फाइल को डाउनलोड कर लिया है। अब करना है इसको एक्सट्रैक्ट, तो यहाँ पे कर देते हैं एक्सट्रैक्ट हेयर। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं, इसको ओपन करना है। इसके अंदर ये देखिए पार्टिकल्स वाली जो फाइल है इसको कर लेते हैं कट, और जो हमारा मेन फोल्डर है इसके अंदर कर लेते हैं पेस्ट। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, अगेन इसके अंदर आना है और जो डेमो लिखा हुआ है डेमो के अंदर जो जेएस नेम का फोल्डर है उसमें जो app.js वाली फाइल है इसको भी कट कर लेना है, और जो हमारा मेन फोल्डर है उसके अंदर कर लेना है पेस्ट। अब हमें इन दोनों को लिंक कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए इसको कॉपी कर लेते हैं और हमारे एडिटर में आते हैं। यहाँ पे बॉडी टैग के पास में एक स्क्रिप्ट टैग क्रिएट कर लेते हैं, और लिंक करने के लिए हम लिखते हैं src, कर लेते हैं इसको पेस्ट, डॉट लगा देते हैं आगे js, सेम इसी को कर लेते हैं कॉपी और नीचे करते हैं पेस्ट। पार्टिकल की जगह हमें क्या करना है, हमारी जो दूसरी वाली फाइल है app.js उसको भी लिंक कर देना है। ये देखिए यहाँ पे आते हैं, जो हमारी सेकंड वाली फाइल है app.js इसको भी हमने लिंक कर लिया है। अब जो आपकी app.js वाली फाइल है इसको हमें ओपन करना है, ओपन विद जो भी आपका टेक्स्ट एडिटर है। यहाँ पे हमने सबलाइम में इसको ओपन कर लिया है। थर्ड स्टेप हमें क्या करना है, देखिए HTML वाली फाइल का काम जितना भी था हमने एक बार कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमारा बॉडी टैग है उसको थोड़ा स्टाइल करना है। तो स्टाइल करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए हमें लिखना है बॉडी, इसकी विड्थ सेट कर देनी है 100% और इसकी हाइट सेट कर देनी है 100 VH, यानी वर्टिकल हाइट। नेक्स्ट हमें ऐड कर देना है इसमें बैकग्राउंड, और इसका जो ओवरफ्लो है, सॉरी इसका जो ओवरफ्लो होता है उसको कर देंगे हम हिडन। इतना हमने कर लिया है, सेव करते हैं, आते हैं हमारी वाली फाइल पे और करते हैं इसको ब्राउजर में ओपन। उसके लिए कॉपी फाइल पाथ करना है, ब्राउजर में आना है और नेक्स्ट टैब के अंदर कर लेना है पेस्ट। सो ये देखिए अभी कुछ भी इफेक्ट इसके अंदर क्रिएट नहीं हुआ है, ओनली बैकग्राउंड कलर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, जो हमारी app.js वाली फाइल है इसके अंदर ये देखिए ये जो आपका लिखा हुआ है particle-js इसको कॉपी कर लेना है, HTML वाली फाइल में आना है और यहाँ पे एक div क्रिएट करना है हमें, और उस div के अंदर ID सेट कर देनी है particle-js। सेव कर दिया, आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं रिफ्रेश।
सो ये देखिए मैजिक, हमारा इफेक्ट बन के रेडी हो चुका है। लेकिन अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, जो यहाँ पे देखिए आपको कलर्स दिखाई दे रहे हैं शेप्स के ऊपर, और आपकी जो शेप्स है वो भी डिफरेंट है, जबकि इसके अंदर आपको सारे सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं और कलर भी सबका सेम है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए एडिटर में आते हैं, इसको करते हैं स्क्रॉल, और इसके अंदर यहाँ पे देखिए जो कलर लिखा हुआ है इसको हमें एरे के अंदर ले लेना है। अगर आपने थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग पढ़ी है तो एरे को हम इस तरीके से लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पे हमें दूसरा कलर अप्लाई कर देना है सेम एज इट इज, हमें जो थर्ड वाला कलर है वो भी अप्लाई कर देना है। सेव करते हैं इसको, आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं रिफ्रेश। सो ये देखिए कलर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इसको फुल स्क्रीन व्यू में ओपन कर लेते हैं। ये देखिए कलर हमारा आ चुका है, लेकिन अब इनकी साइज हमें बड़ी करनी है और शेप हमें अलग अलग चाहिए, तो उसके लिए आते हैं एडिटर में वापस, और देखिए अब हमें क्या करना है, और इसको स्क्रॉल करते हैं और नीचे जहां पे आपको देखिए ये ओपेसिटी लिखी हुई दिखाई दे रही है, ओपेसिटी को हमें कर देना है 1, और नीचे स्क्रॉल करते हैं और इसकी साइज यहाँ पे आपको 5 है दिखाई दे रही है, इसको कर देना है 10। इतना हमने कर लिया, और नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे देखिए ऊपर है, ये रहा आपका यहाँ पे शेप। तो शेप के अंदर हमें क्या करना है, सेम एरे अप्लाई कर देना है और सेकंड वैल्यू इसके अंदर हमें सेट कर देनी है ट्रायंगल। सेव करना है, आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं रिफ्रेश। ओके सारे गायब हो चुके हैं, क्या कर दिया हमने, देखते हैं एडिटर में, कोमा हटा दिए, तो यहाँ पे हमें कोमा लगा देना है। सेव करना है, आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखिए मैजिक, सेम हमने इफेक्ट क्रिएट कर लिया है, और आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत ही सिंपल वे में समझ में आ गई होगी गाइस, और फिर भी आपको कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट में मुझसे जरूर पूछिएगा।